नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मानव जननी सेवा संस्थान के प्रबंधक सचिव व जनपद के मशहूर कथावाचक कौशल किशोर चतुर्वेदी ने मंगलवार को शहर के जाफरपुर स्थित एक आवास प्रेस वार्ता का आयोजन किया। 58 वर्षीय महिला के घर पर तांत्रिक क्रिया करने व छेड़छाड़ के आरोपी को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि उनको व हरेंद्र पाठक को फर्जी मुकदमे में फंसाने का षड्यंत्र रचा गया है, जिससे कि हमारी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि साजिशकर्ता राजेंद्र प्रसाद लाल श्रीवास्तव ने वर्ष 2021 में रामकथा के दौरान वे उनके 50,000 रुपए की धन उगाही करना चाह रहे थे, न देने पर उनके खिलाफ इस तरह के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह आरोप सिर्फ राजेंद्र लाल श्रीवास्तव को कथा वाचन के दौरान मिले रुपए में अवैध धन देने पर उन्होंने इस तरह की उचित साजिश रची है। एक कूट रचना के तहत जो है हमको एक फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है और प्रकरण यह है कि 2021 दिसंबर में आजमगढ़ शहर के नज़दीक जाफरपुर ग्राम में श्री सचंडी महाजज्ञ संगीत में राम कथा का आयोजन था। उसमें मैं श्री राम कथा करता था। जिन्होंने ये कूट रचना किया है वो कथा सुनने यहाँ आते थे, तो कुछ दानदाता थे जो श्रद्धावश व्यासपीठ पर कुछ पैसा वैसा चढ़ाते थे, तो 2-3 दिन कथा सुनने के बाद उन्होंने हमसे कहा कि आपको दान दक्षिणा और चढ़ावा ज़्यादा मिल रहा है और आप बड़ी कथाएँ करते हैं और लोगों का बड़ा झुकाव आपके प्रति है, हमको कुछ दे दिया करिए। तो मैंने उसको ऐसे ही हंसी समझा के ऐसे ही कुछ कह रहे हैं। फिर दूसरे दिन फिर आए और मैं मंच पर जा रहा था तो हमसे कहे कि आपसे कुछ हमको बात करना है। तो जब मैं व्यासपीठ से खाली हुआ तो हमसे कहे कि आप हमको 50,000 रुपया दे दीजिए। और हमने कहा कि भाई न आप हमारे साथ संगीत में सहयोग करते हैं, न आपने माइक लगाया है, न आपका इस कार्यक्रम से हमारे इस अभियान में कोई सहयोग है, तो मैं आशा नहीं समझ रहा हूँ कि पैसा किस लिए आपको दे दूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो मेरे समझ में आया कि हो सकता है हमको ये धमकी दे रहे हों, तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरा ऐसा कोई तो काम है नहीं, ठीक है आप जैसा भी समझिएगा, मैं तो राम कथा करता हूँ। इसके बाद वो चले गए और हमारी एक संस्था है मानव जनहित सेवा संस्थान, उसमें वो गत 11 साल से जुड़े रहे और कुछ संस्था में वो कहते थे कि संस्था हमारे हिसाब से चलेगी, संस्था में ये काम करिए, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो उचित नहीं लगी, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनका विचार उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने उनको सदस्य नहीं बनाया। इससे वो हमसे द्वेष करते रहते थे, यद्यपि कोई कार्यक्रम होता था तो आते थे। इसकी वीडियो क्लिप ऑडियो सब हम दे देंगे आपको। और इसके बाद उन्होंने यह कूट रचना किया कि एक 58 वर्षीय महिला को आज हमको पता लगा है कि 58 वर्षीय एक महिला को जिसको न मैं जानता हूँ न पहचानता हूँ, सत्य है कि मैं न उसका घर जानता हूँ उस महिला का, न उसका नाम जानता हूँ, हमको ये पता लगा कि उन्होंने जो है आपके विरुद्ध ये कूट रचना किया है कि आप तांत्रिक पूजा करने अपने एक पंडित जी को साथ लेकर के गए थे और आपने तांत्रिक पूजा किया और पहली बार आपने 40,000 मांगा, फिर 35,000 मांगा, इसके बाद 58 वर्ष की महिला के साथ आपने छेड़छाड़ किया, न मैं पूजा करता हूँ। आज कोई समाज में एक कोई हमारे संबंध में एक वीडियो क्लिप नहीं दे सकता हूँ, बाल व्यास की उपाधि हमको मिली है और मैं बचपन से राम कथा भागवत कथा करता हूँ, किसी के यहाँ कर्मकांड पूजा पाठ तंत्र पूजा ये मेरा विषय ही नहीं है, न मैं ये करता हूँ। और ये झूठा लांछन घर में घटना दिखाते हुए ये लगा रहे हैं कि हमारे घर तंत्र पूजा करने आए, जबकि मैं कथावाचक हूँ, न मैं तांत्रिक हूँ और न कर्मकांडी हूँ, मेरा इस प्रकरण से न कोई संबंध है, न मैं उनको जानता हूँ। और साथ ही साथ हमारे एक शुभेच्छु ने उनको फोन किया कि अच्छा ये बताइए कि जो आप फर्जी धारा में इनको फंसाए हैं ये कैसे आपने फंसाया है, तो ये सही ऐसा उन्होंने छेड़छाड़ किया है कि ऐसे ये घटना क्या है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका खास आदमी बन के उन्होंने पूछा। तो उन्होंने मोबाइल पे कहा कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, कुछ कराया गया है। इसकी हमारे पास ऑडियो क्लिप है जिसके मोबाइल पे उन्होंने फोन किया है, उसकी ऑडियो क्लिप मेरे पास है जिससे उन्होंने यह बात स्वीकार किया है। साथ ही साथ जब उन्होंने हमसे कहा कि ये तो आपके विरुद्ध ऐसी साजिश रच दी है,
तो एक महिला ने उनको फोन किया उनकी परीक्षा लेने के लिए कि बाबा जैसे आपने सर आपने जैसे एक केस कराया है वैसे एक और केस अगर हो जाए तो क्या हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा महिलाओं के लिए तो बहुत आसान है, आप तैयार हो जाइए, पुलिस में ये बात नहीं कहना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने महिला खड़ी हो जाएगी, मजिस्ट्रेट पूछेंगे कि आपके साथ छेड़छाड़ हुआ, आप कह दीजिएगा हाँ, और लेकिन ये बताइएगा मत, उनको पता ना चले कि जब कोर्ट में तलब हो जाए तब ये जानेंगे तो जेल जाएंगे। इस प्रकार की उन्होंने रिकॉर्डिंग में एक बात कहा है या साक्ष्य में मीडिया के सामने कोर्ट में तमाम और भी उनके विरुद्ध अभिलेख हैं जो मैं पेश कर सकता हूं। क्या आप द्वारा जो है उसमें थाने पे या किसी पुलिस चौकी पे या किसी थाने पे या एसपी क्या सर कुछ एप्लीकेशन? नहीं नहीं, हमको आज पता, आज जब मीडिया में समाचार आया और हमारे शुभेच्छुओं ने हमको मोबाइल पे हिंदुस्तान पेपर का अमर उजाला का जो है पेपर कटिंग भेजा, तब हम आज पढ़े कि हमारे विरुद्ध ये इस तरह की कूट रचना हुई है, तब मैं जा करके इसको जब पता कराया तो पता लगा कि हाँ इस प्रकार की रचना हमारे विरुद्ध 26 मई को आर्डर हुआ है, आज तक हमको कोई सूचना नहीं है और न मैं इस प्रकरण को जानता था। सत्य यह है कि घटना 3 नवंबर को दिखाई गई, इसके बाद भी वो आदमी हमारे साथ दिसंबर में जाफरपुर कथा में बैठता रहा, हमारे विरुद्ध 3 नवंबर को साजिश कर रहा है और दिसंबर में हम वीडियो क्लिप दे देंगे, हमारी कथा बैठ के सुन रहा है। कोई मामला क्या है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है क्या? 50,000 रुपया उन्होंने हमसे मांगा था कि आप कथावाचक हमको 50,000 रुपया दीजिए, यदि आप पैसा नहीं देंगे तो हम ऐसा षड्यंत्र ऐसा करेंगे, षड्यंत्र उन्होंने कहा ऐसा करेंगे कि आप कथा करने लायक समाज में। पैसे को लेकर ये सब है जी, पैसे का आपने डिमांड पूरा नहीं किया? हाँ जी जी जी। कितने लोग इन्वॉल्व हैं अभी तक? कितने लोगों को और इन्वॉल्व किया गया? इन्वॉल्व किया गया है वो जिन्होंने षड्यंत्र किया उनका नाम आरपी लाल है, वो रिटायर्ड कर्मचारी हैं दीवानी कचहरी के, इसमें सेवानिवृत्त हैं और यदि उनका आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो बहुत ही उनका जो चरित्र रहा है सीआर कैरेक्टर रोल में कई बार निलंबित भी रहे हैं और वो उनकी इस प्रकार की छवि है कि दलाल के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने इस प्रकार की डिमांड किया। और एक रितेश गुप्ता हैं जो उनके साथ उनकी अपना मिलना जुलना है, उनके साथ उन्होंने ये साजिश बना करके अपनी 58 साल की महिला के साथ वो साजिश करके, 3 लोग इसमें हैं, गणेश गुप्ता और रितेश गुप्ता, रितेश गुप्ता के पिता हैं गणेश गुप्ता, और इसमें पूरी जो कूट रचना किया है वो जिन्होंने हमसे पैसा मांगा था आरपी लाल श्रीवास्तव। आप क्या करना चाहेंगे? हम यही करना चाहेंगे। आप किसी उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे? हम इस संबंध में माननीय कप्तान महोदय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे और हम ये कहेंगे कि हमारे विरुद्ध समाज से अगर इस प्रकार का आरोप लगाए समाज से पता किया जाए, यदि इसमें हम कहीं किसी प्रकार के दोषी हों निष्पक्ष जांच किया जाए, अगर दोषी हों तो कड़ी से कड़ी सजा के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन यदि अगर इसको इस प्रकार का कुछ नहीं है तो मेरे 25 साल की तपस्या को कलंकित न किया जाए, ये हम पूरे समाज से सारे अधिकारी वर्ग बंधुओं से सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है इस पे निष्पक्ष कार्यवाही हो, जांच हो, यदि कहीं से मेरा रंच मात्र दोष हो तो जो कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है उसको मैं सहर्ष स्वीकार करने को तैयार हूं, लेकिन अगर बिना जांच किए जो हमारे विरुद्ध मुकदमा उसका जांच कर लिया जाए, ये चौक की घटना 11 बजे दिन में दिखाई जा रही है, न पुलिस को कॉल किया गया, न 109 नंबर पे कॉल है, न 100 नंबर पे कॉल है, न स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, डायरेक्ट कप्तान महोदय को 3 नवंबर की घटना दिखाई जा रही है और सूचना दी जा रही है 14 जनवरी को पुलिस अधीक्षक महोदय को डाक टिकट लगा करके रजिस्ट्री भेज दिया जाता है औपचारिक और इसके बाद कोर्ट से मुकदमा कर दिया जाता है, न पुलिस को सूचना देगी न किसी को बताया गया, क्योंकि वो कोर्ट में कर्मचारी रहे हैं सारे लोगों से उनका परिचय है, इसलिए हर चीज को अपने स्तर तक दबाते रहे कि ये बात वो जान न पाए, और जब 90 दिन का पीरियड बीत गया तब इसके बाद जब 90 दिन की एक मियाद थी खत्म हो गई, टाइम बार्ड हो गया, तब वो हमारे पास ऐसी भी रिकॉर्डिंग है कि फोन करके हमारे आदमियों से कह रहे थे कि आप आइए हम फोटो कॉपी करा करके केस की दे देते हैं पूरे गांव में बांट दीजिए, इस प्रकार की रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिससे उन्होंने कहा है यदि आवश्यकता पड़ेगी तो मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा आपको। जिस दिन घटना हुई उस दिन आप कहां थे? जिस दिन घटना हुई उस दिन धनतेरस का दिन था और धनतेरस के दिन मैं पूजा पाठ में अपने घर में लगा था, जिस दिन की घटना ये दिखाए हैं उस दिन धनतेरस का दिन है, आप कैलेंडर उठा के देख सकते हैं।
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।